हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल में स्वागत है। अनुपात और संपात का टॉपिक अभी चल रहा है और अभी 2 से 3 क्लास और होगा, अभी ख़त्म पूरा नहीं हुआ। पूरा टोटल क्वेश्चन करवा देंगे शुरू से लास्ट तक, हर लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे, बेसिक्स लेके हाई लेवल तक। और उसी का अगला भाग है अनुपात और संपात का। आइए बोर्ड पर क्वेश्चन देखते हैं लिखा हुआ। क्वेश्चन कहता है 5100 रुपया, ठीक है, 5100 रुपया, 5100 रुपया को ए और बी के अनुपात में क्या है, 8:9 है के अनुपात में विपरीत किया गया, मैंने बांटा गया, ठीक है। तो बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, अच्छा कितना अधिक है, 5100 रुपया है, ए और बी का अनुपात दिया है और उसको ए और बी में विभाजित करता है, विपरीत किया गया है, तो ए का भाग जो होगा बी के भाग से कितना अधिक है, इसको सॉल्व करते हैं। टोटल क्वेश्चन ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 8:9 दिया, ठीक है। और इसको एक समानेंगे, अपन मन से क्या करेंगे, एक समानेंगे, और दोनों का कितना दिया है, 5100 रुपया, 8:9 जोड़ देंगे, 8:9 कितना होगा, ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, 8:9 17, 1 से 23 लिख देंगे, बराबर कितना दिया मान लीजिए, 51, कितना, 5100 रुपया दिया, ठीक है। तो यहाँ एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, 5100 में क्या करेंगे, 17 से भाग दे देंगे, ठीक है, 17 * 51, 3 × 2 = 0, एक्स का वैल्यू कितना है, 3। अब कहता है कि ए का भाग बी का भाग ए से कितना अधिक है, अधिक कम या अधिक रहेगा तो क्या होगा, अंतर घटा देंगे, कम अधिक रहेगा तो क्या करेंगे, हमेशा घटाएंगे, तो दोनों का 8 और 9 अंतर कितना है, दोनों का 9 में 60 गया, एक अंतर है, माने एक्स का, और एक्स का पुट करेंगे वैल्यू कितना आ गया, एक्स का आंसर 300 आ गया, तो इसका एक्स का वैल्यू कितना जाएगा, अंतर 2-3 रहता तो गुना करते हैं, यहाँ अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, एक का वैल्यू 300 आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 300, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए इसको, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर देखते हैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। और क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड के बीच में क्रमशः 4:5, 5:6 के अनुपात में है, 4 और 5 6 के अनुपात में है, ठीक कहता है, रुपया 900 दिया, कितना, 4, 5, 6 के अनुपात में 900 रुपया की राशि विपरीत की गई, एक्स और जेड की राशि के बीच कितना अंतर होगा, कहने का मतलब है एक्स वाई जेड का राशि दिया है 4, 5, 6, एक्स वाई जेड का, ठीक है, और 900 रुपया कितना है, 900 रुपया में बांटा गया, ठीक है, विपरीत की गई, तो एक्स और जेड की राशि के बीच का कितना डिफरेंट है, अंतर पूछ रहा है, एक्स जो होगा इसको सॉल्व करते हैं, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ क्रमशः दे दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है और कितना है, 6 अनुपात में दिया, ठीक है, 4, 5, 6, अपन मन से एक सौ में लगा देंगे, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, और इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ये तीनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ये तीनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना जाएगा, 6 * 4 = 10 और 5 = 15, कितना होगा, 15, एक्स बराबर ये वैल्यू दिया है उसको करना है, बराबर 900 लिखना है, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, एक्स बराबर गुना में दिया जाएगा तो भागा में, 9 से भागा दे देंगे कितना, 15 से, ठीक है, 900 में 15 से भाग देंगे, 15 * 6 = 90, 1 0 बैठ गया, 60, एक्स का वैल्यू कितना आया, 60। अब फिर कहता है एक्स और जेड की अंतर पूछा है, अंतर मैंने घटाना होता है, अंतर कर देंगे एक्स और जेड का, एक्स का और जेड का अंतर, जेड का 6, एक्स का कितना दिया है, 4, जेड और हो गया एक्स का, तो 6 में से 4 घटा देंगे, अंतर पूछा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, तो कितना बचेगा, 2x, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकला है, 60, तो 2 में 60 से गुना कर देंगे, 60 × 120, ये हमारा आंसर हो गया, देख ली। ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ उसको हम देखते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और
वीडियो लास्ट तक बने रहेगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। और त्रिभुज के कोण, ठीक है, यदि त्रिभुज के कोण पाँच छः एवं सात के अनुपात में दिया है, पाँच छः सात के अनुपात में दिया है त्रिभुज, तो कौन सा त्रिभुज होगा? जब रेशियो में दे देगा पाँच छः, तो इसको सोल्व करके पता करें कौन त्रिभुज होगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। त्रिभुज दिया कितना, पाँच अनुपात छः अनुपात सात के, ठीक है, सब अपन मन से एक्स लगा देंगे, क्या करेंगे एक्स लगा दें। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे ये तीनों का करेंगे जोड़ देंगे, कितना होगा, छः चार छः पाँच ग्यारह, ग्यारह सात कितना, अठारह हो गया। अठारह एक्स बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, 180 में अठारह से भाग दे देंगे, क्या करेंगे अठारह दहा के 180 दस आया। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स बराबर कितना आया, दस आया। एक्स का वैल्यू फिर इसमें पुट करेंगे कितना है, फाइव एक्स, इसमें क्या करेंगे फाइव जब फाइव, और इधर लिखते हैं फाइव जब फाइव लिखेंगे, ठीक है, फाइव एक्स का वैल्यू कितना है, दस, दस करेंगे, दस पचे पचास आया। ठीक है, दस पचे पचास, फिर दूसरा लेंगे छः एक्स, इसको वैल्यू पुट करेंगे छः गुने एक्स, जब हम कितना रखेंगे एक्स जहाँ है वहाँ का रखेंगे, इसको दस रखेंगे, तो यहाँ दस बैठा देंगे, दस छः साठ आया। फिर तीसरा क्या है, सात एक्स, तो सात एक्स, तो सेवन, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ का वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू निकला दस, उसको यहाँ दस रख देंगे, दस दस होते सत्तर। ये तीनों जो वैल्यू निकला, पचास साठ और सत्तर, ये क्या है, नब्बे से कम है। तो जो नब्बे से त्रिभुज कम रहता है उसको क्या बोलते हैं, नयीन कोण बोलते हैं। नब्बे से जो कम त्रिभुज रहेगा उसको नयीन कोण, कि कौन सा त्रिभुज हुआ, कौन त्रिभुज इसको कहेंगे, नयीन कोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ बहुत इजी क्वेश्चन है। तीन दिन का तीस घंटे के साथ अनुपात क्या होगा, तीन दिन का तीस घंटे का अनुपात क्या होगा। तीन दिन का दिया है, एक दिन का यहाँ घंटा में, तीन दिन और तीन दिया बटम कर देंगे, का मने का जो बटम बटम कर देंगे, तीस घंटे, तीस घंटे दिया, ठीक है, स्कूल बनाएंगे। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, तो तीन दिन का, तीन दिन के घंटा 24 गुने तीन कर देंगे, 24 दिया 72 घंटा हो जाएगा, कितना 72, 24 दिया 72 घंटा, कि घंटा में किसको भी घंटा में, तीन दिन का 24 दिया 72, तीन दिन में 72 घंटा होगा, 72 घंटा, और 30 इस घंटा है तो इसको चेंज कर दिए, दिन को घंटा में चेंज कर देंगे, 30 घंटा है तो 30 घंटा इसको लिख देंगे, 30 घंटा कर देंगे। ठीक है, 6 पच्चे 6 से काटेंगे, 6 पच्चे 30, 6 होगा 6 दूनी 12, बरछक 72, 6 से काटेंगे, 6 से 12 आउट करके 6 पच्चे 30 कितना आ जाएगा, अनुपात में कितना लिखेंगे, 12 अनुपात 5 हो जाएगा, ये कौन जीगा 12 अनुपात 5 हो गया। इसको घंटे दिन था घंटा में चेंज कर दिया, ये घंटा में था इस घंटे में रह जाएगा, ठीक है, इसको काट देंगे। ठीक है, 6 से काटने के 12 बार में और 6 पच्चे 30, इसको अनुपात में 12 अनुपात 5 लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसका अगला टॉपिक पढ़ाते रहेंगे, और अभी एक दो क्लास और होगा अनुपात से अनुपात का, एक क्लास और, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं, थैंक्स सबके लिए।